सब्सक्राइब कीजिए टेक मिक्स और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज 29 दिसंबर है, ये वो दिन है जब ट्राई ने बोला था कि आज उसके सारे नियम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और फिर हमें नए प्लान के अनुसार, नए नियम के अनुसार डीटीएस देखना होगा। तो क्या हुआ आज? क्या हमारे टेलीविज़न चलने बंद हो गए हैं या फिर हमारे टेलीविज़न चल रहे हैं और आगे क्या जानकारी होगा? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ट्राई का नया नियम क्या है, इसे कब से इम्प्लीमेंट करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और साथ ही साथ मैं आपको इंटायर ब्रॉडकास्टर का एक लिस्ट भी दूंगा जिसमें कि सारे चैनल्स के इंडिविजुअल प्राइस होंगे, उसके बुके के प्राइस होंगे और साथ ही साथ आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, जिस भाषा से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, उस स्टेट्स के लिए भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी पैक के लिस्ट में आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था 29 दिसंबर, वो दिन आज आ गया है। लेकिन हमारे लिए, उपभोक्ताओं के लिए, डीटीएच ऑपरेटर के लिए, एमएसओएस के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए, सबके लिए एक राहत भरी खबर ये आई है कि ट्राई ने हमें 31 जनवरी 2019, जी हाँ 31 जनवरी 2019 तक का टाइम दिया है, सो दैट कि हम इस टाइम का यूटिलाइज करके अपने चैनल को, अपने बुके को सेलेक्ट कर सकें। साथ ही साथ डीटीएच ऑपरेटर, ब्रॉडकास्टर हमें अपना जो भी पैकेज है वो एक सुचारू रूप से, एक प्रॉपर वे में हमारे सामने प्रेजेंट कर सकें, सो दैट कि हम उन्हें चुन सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो पहले ये 29 दिसंबर थी, अब ये 31 जनवरी 2019 हो गई है। तो अभी आपके पास एक पूरे महीने का समय है, आप अच्छे से प्लान करके अपने चैनल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका केबल का खर्च कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके चैनल सेलेक्शन पे। तो जनरली होता क्या है कि हमारे टीवी सेट पे काफ़ी सारे चैनल्स आते हैं। जो पहले का जो सिस्टम था उसमें काफ़ी सारे चैनल्स आते थे, पेड चैनल भी आते थे, फ्री टू एयर चैनल भी आते थे, जिसके एवज में हम लोग 250, 300, 400 जैसा हमारा पैकेज होता था उसके अकॉर्डिंग पे करते थे। बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्राई ने जो फ्रेमवर्क निकाला है उसके अकॉर्डिंग जो है हर चैनल का अलग अलग रेट है। अब इसमें उसने ट्राई का कहना है कि चैनल की प्राइस जो है वो मैक्सिमम 19 रुपये उसने प्रिस्क्राइब्ड किया है कि 19 रुपये तक आप रख सकते हैं। अगर कोई ब्रॉडकास्टर चाहता है कि वो 19 रुपये से ऊपर अपने चैनल का प्राइस रखे तो वो रख सकता है। ब्रॉडकास्टर फ्री है, चाहे तो वो 20 रुपये रख सकता है, 25 रुपये, 50 रुपये भी रख सकता है। बट डिपेंड ये करेगा कि अगर उसने 50 रुपये रखा और सब्सक्राइबर ही उसको नहीं मिल रहे हैं, हम उपभोक्ता उसके चैनल को देखना ही नहीं चाहेंगे उस कॉस्ट में, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपना कॉस्ट नीचे ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि जो 130 रुपीज़ पर मंथ प्लस GST, ये जो कॉन्सेप्ट था फ्री टू एयर चैनल के लिए, तो लोगों के मन में ये सवाल था कि अगर ये सारे चैनल फ्री हैं तो फिर हम इनके लिए पे क्यों करें। तो इसका आप सिंपल सा फंडा समझ सकते हैं, आप इसको एक तरह से मान के चलिए कि ये आपके टेलीविज़न देखने के लिए एक मंथली रेंटल है। आप इसको इस तरह से ना देखें कि ये 100 फ्री टू एयर चैनल देखने के लिए 130 रुपीज़ लिया जा रहा है, बल्कि आप मान के चलें कि ये आपका पर सेटअप बॉक्स आपका मंथली एक रेंटल है, जो कि आपको, जिसके अंदर आपको 100 फ्री टू एयर चैनल मिलेंगे। अब यहाँ पर ट्राई ने एक और अहम जानकारी दी है कि ये जो 130 रुपये जो प्राइस उन्होंने रखा है ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। मतलब अगर कोई ऑपरेटर, अगर कोई MSO चाहे तो वो इस रेट को कम भी कर सकता है। सपोज दैट उसने 130 रखा, टाटा स्काई उसको 125 कर सकता है, डिश टीवी 120 कर सकता है, हो सकता है कि कोई DTH ऑपरेटर बोले मैं 99 में ये सारा पैक दे दूंगा, क्योंकि ये एक मंथली रेंटल है जो उस DTH ऑपरेटर को मिलेगी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये 130 और भी नीचे आ सकता है। दूसरी बात ये थी कि लोगों का ये भी कहना था कि आज के बाद या कल रात से ही हमारे सारे चैनल ब्लैकआउट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सारे एग्जिस्टिंग चैनल चलते रहेंगे और 31 तारीख तक, मतलब 31 जनवरी 2019 तक हमें अपना चैनल सेलेक्ट कर लेना होगा। तब तक ब्रॉडकास्टर ने तो अपनी लिस्ट फाइनल कर दी है, DTH ऑपरेटर भी नए नए प्लान लेके आपके सामने आ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इसके पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में वो PDF फाइल की भी का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि सारे ब्रॉडकास्टर के जो इंडिविजुअल पैक्स हैं, जो इंडिविजुअल चैनल के हों या उनके बुके के हों,
उन सारे को प्राइज लिस्ट दिया हुआ है और वो हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, उड़िया, जो भी लैंग्वेज है उन लैंग्वेज पैक के अकॉर्डिंग भी प्राइज़ दिया हुआ है। तो आप उससे, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो वो सीट आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक होगी। उसमें आप सारे चैनल को देख सकते हैं और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बुके भी दिया है, जैसे बुके ए, बुके बी, बुके सी, इस तरह करके उन्होंने कुछ चैनल को एक्सक्लूड कर दिया है, कुछ को इंक्लूड कर दिया है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस भी उन्होंने दिया है। अब बात करते हैं कि ये हमें कितना कॉस्टली पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम सारे चैनल ले लेते हैं, जितने भी चैनल है 200, 300, 400 जो भी चैनल हम पुराने डीटीएच में देखते थे उतना ले लेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए महंगा पड़ेगा। बट अगर हम चैनल का सिलेक्शन सही करते हैं और उन्हीं चैनल को लेते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली देखते हैं तो यकीन मानिए आपका कॉस्ट कम पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि एक कॉमन पीपल, एक कॉमन उपभोक्ता जो अभी केबल देख रहा है या डीटीएच चला रहा है उसके जो बेसिक जो वो पैकेज रखता है अभी, वो अगर उस पैकेज की बात करें तो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें मैंने दो पैकेज का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है। इसमें अगर हम देखें तो फ्री टू एयर चैनल जो हम 100 देखेंगे उसके लिए 130 रुपीज़ देना है। अगर हम नॉर्मल एसडी पैकेज की बात करते हैं, यहाँ इसमें कोई भी हाई डेफिनेशन पैकेज नहीं है, अगर हम एसडी पैकेज की बात करते हैं और हर ब्रॉडकास्टर के जो पैकेज है, जो उनका बुके है, अगर उसको सेलेक्ट करते हैं तो जी ने 45 रुपीज़ में दिया है, स्टार ने 49, सोनी 31, किड्स के लिए 10 रुपये, टीवी 18 के लिए 22 रुपये और अगर आप इंग्लिश न्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए 5 है। तो अभी क्या होगा कि अगर हम लोग इस सीट को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट 292 रुपीज़ आता है इन सारे चैनल को देखने के लिए। और अगर टोटल चैनल्स अगर देखें इन पैकेज में जो उन्होंने अवेलेबल कराया है तो टोटल चैनल 173 है। तो अभी के हिसाब से जितने भी हम लोग देखते हैं चैनल्स, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स के हिसाब से, देखने के हिसाब से तो नहीं, नंबर ऑफ चैनल के हिसाब से, तो इसका कॉस्ट पड़ता है 292 रुपीज़ जिसमें कि ये सारे चैनल आ जाएंगे। प्लस इसमें 18% जब हम जीएसटी लगाएंगे तो ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 345 रुपीज़ के आसपास। तो मतलब अगर इन सारे चैनल को देखना अगर आप चाहते हैं तो आपको 345 रुपये देना पड़ेगा और ये सारे चैनल जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के, इसमें कोई भी एचडी चैनल नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर कोई केबल का जो उपभोक्ता है अगर वो अभी 250 रुपये दे रहा है या 300 रुपये दे रहा है इन सभी चैनल को देखने के लिए, तो हो सकता है उसको लगेगा कि ये मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, महंगा हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें से कुछ कर्टेल कर सकें, कुछ चैनल को हटा सकें जो हम नहीं देखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो प्राइस है वो अभी के हिसाब से ही आ जाएगा। अगर हम दूसरे प्लान की ओर चलते हैं और इसमें हम एचडी चैनल लेते हैं इन्हीं सारे पैकेज में, तो उसका टोटल कॉस्ट आता है 372 रुपीज़ जो कि टैक्स लगा के 439 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो हमारा ये एचडी का जो पैकेज था और हम एचडी का जो पैकेज लेंगे, दोनों के बीच में देखें तो वो 345 का है, ये 439 रुपीज़ का है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 95 रुपीज़ के आसपास का अगर हम हाइक करते हैं तो हम एचडी चैनल भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडकास्टर ने जो प्लान शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग जाएं तो हमें यहाँ पे 16 एचडी चैनल देखने को मिलेंगे। मतलब हम ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हम 16 एचडी चैनल देख सकते हैं एग्जिस्टिंग जो हमारा पैकेज है उसमें। तो एक कॉमन उपभोक्ता के लिए मैंने जो निकाला है उसमें है कि अगर आप सारे जो चैनल हैं जैसे कि जी के, स्टार के, सोनी के, टीवी 18 के, किड्स के, स्पोर्ट्स के, इंग्लिश न्यूज़ के, फ्री टू एयर चैनल, अगर इन सबों को लेके आप एक पैकेज बनाते हैं तो आपको मंथली जो आपका बिल होगा वो 345 रुपये होगा सारे टैक्स लगा के। और इन्हीं सारे चैनलों को अगर आप एचडी में लेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ के हो जाएगा 439 रुपीज़। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये आपको मे बी थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप अगर चैनल का सिलेक्शन करते हैं, कुछ कर्टेल कर सकते हैं, कुछ चैनल जो हम रेयरली देखते हैं उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो ये हमें अभी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ही पड़ेगा या मे बी थोड़ा कम भी पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से हम कंज्यूमर पे कि हम किस तरह का पैकेज लेते हैं और किस तरह उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और मैं अपने पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको वो पीडीएफ फाइल का लिंक शेयर कर दूंगा
जिसमें आपको सारे ब्रॉडकास्टर के चैनल के प्राइस, उसके अला कार्टे प्राइस, उसके पैकेज के प्राइस, सारे लैंग्वेजेस में वो सब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको देख लीजिए और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास पूरा समय है, अभी एक पूरा महीना बचा है, आप 31 जनवरी 2019 तक अपना पैक सेलेक्ट कर लें और उसके बाद केबल का आनंद लेते रहें। थैंक यू।